कोतवाली पुलिस ने मंदिर से चोरी हुई चांदी की मुकुट को बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तरंग ओवरब्रिज के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संतोष कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय गंगा सागर वर्मा शाहबाद गल्ला मंडी रोड थाना व्रजमनगंज जिला महाराजगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से मंदिर से गायब हुआ एक चांदी का मुकुट बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक अरविंद कुमार राय, उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, नखास चौकी प्रभारी राम सिंह, कांस्टेबल पीयूष कुमार सिंह, राकेश प्रसाद, रघुवर कुमार बिंद, महिला कांस्टेबल पूजा यादव शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, हेलो ये एक मुकुट चोरी की घटना हुई थी मंदिर से, उसमें मुकदमा अपराध संख्या 189/21 धारा 380/411 पंजीकृत किया गया था। उस व्यक्ति को संतोष कुमार वर्मा नाम है उसका, उसको तरंग ओवरब्रिज के नीचे से आज गिरफ्तार किया गया 9:10 पर। और ये इस पे इसके पास से एक सफ़ेद धातु का मुकुट भी जो है हमें बरामद किया गया, और इस पे पहले भी मुकदमे रहे हैं और वो खासकर मंदिरों में ही चोरी करता है, उस तरह के ही इसके मुकदमे रहे हैं। 2020 का भी मुकदमा है इसके। हाँ, इनके पुरस्कार के लिए हम लोग कप्तान साहब को अपनी तरफ से संस्तुति करके भेजेंगे। ये सीसीटीवी फुटेज में देखा था और उसमें पहचान कर ली गई थी इसकी, और उसके बाद मुखबिर की सूचना पे जो इसको पकड़ा गया।